हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हम आपसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए पहले भी वीडियो दे चुके हैं जिसमें आपसे बात की थी हमने मोशन के बारे में, गति के बारे में। और उससे पहले हमने जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें हमने बात की थी आपसे यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में। तो देखिए गाइज, आज बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो गाइज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, जो टॉपिक आपके लिए करा दिया गया है उससे संबंधित कोई भी आपको समस्या होती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या फिर आप हमारी मेल आईडी जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप मेल आईडी लेके आप मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इस देखिए जिसमें दे रखा है आपके लिए, बोल रहा हूँ मैं आपसे, M1 और M2 दो क्या है, एक पिंड है, उनका द्रव्यमान दे रखा है M1 M2 और इनके बीच में डिस्टेंस दो दे रखे आपके लिए, बोल रखा है उसने R है, ठीक है। तो देखिए दो फॉर्मूले होते हैं इन दोनों के लिए। देखिए कैसे, दो पिंडों के मध्य जो बल लगता है गाइस, वो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। आप समझते होंगे प्रोपोर्शनल का साइन दे रखा है। और गाइस इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं पेपर में डेफिनेशन तो आती नहीं है। अगर आपको मैथमेटिकल प्रॉपर्टी आती है तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। आपने ये पता होना चाहिए कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू M1 into M2। समझ पा रहे हैं, दोनों द्रव्यमानों का मल्टीप्लाई इस प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, बल जो है दो पिंडों के मध्य दूरी, जो दूरी दे रखी होती है गाइस, जैसे कि आपके सामने दे रखा था फर्स्ट में, इसे बोल रखा है कि आपसे दूरी के बारे में क्या दे रखी है, आर दे रखी है डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, या देखिए यहां व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए इन दोनों फॉर्म को, अगर आपके सामने जो फर्स्ट फॉर्म ये दे रखी है और सेकंड फॉर्म ये है, इन दोनों को कंबाइंड रूप में लिखते हैं तो देखिए हमारे पास ये निकल के आता है। और देखिए प्रोपोर्शनल को साइन को हटाने के लिए तो हमने क्या किया, जी ले लिया। जी ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक, आप जानते होंगे गुरुत्व स्थिरांक कॉफिशियंट, सॉरी कॉन्स्टेंट। तो देखिए इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं फिक्स रहती है, ठीक है, यहाँ से आप जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जी की वैल्यू क्या होती है, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में भी आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है गाइस कि क्या होगी। अगर आपके सामने गुरुत्वाकर्षण बल से कभी संबंधित क्वेश्चन आ गया तो आपको वहाँ यूज करना पड़ सकता है, तो इसलिए इस वैल्यू को याद रखिए, क्या होता है, 6.67 × 10⁻¹¹, ठीक है, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, समझ पा रहे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब आपसे पूछा जाए जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है इन दोनों में। देखिए रिलेशन फाइंड करेंगे, अब रिलेशन कैसे निकाला जाता है, जैसे जी क्या होता है, यहाँ पे पहले ये समझिए, ये तो आपको पता है गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, आप जानते हैं जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी की त्रिज्या आप जानते हैं, त्रिज्या नहीं जानते तो आप याद कर लीजिए क्या होती है, ये होती है। अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली आप याद रखिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूला फाइंड करना है। यहाँ से कभी भी आपके सामने अगर पूछा जाए, अगर कभी आपसे पेपर में आ जाए जिसमें आपके लिए अर्थ ले रखा है, अर्थ की आपने डायमेंशन सॉरी उसकी रेडियस यूज करनी है, या उसका मास यूज करना है, या द्रव्यमान यूज करना है गाइस, तो आपके लिए या तो वैल्यू दे रखी होंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये वैल्यूज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। कैसे, कभी कभी दशमलव नहीं करती, आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पाएं, इस वजह से क्या करते हैं वो थोड़ा इस तरीके से वैल्यू दे देते हैं आपके लिए, जिसमें आसानी से मल्टीप्लाई वगैरह हो जाए। जैसे आप जानते हैं जी की वैल्यू आपने अच्छी तरह पढ़ी होगी 9.8 होती है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं जी की वैल्यू, क्यों कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह सब आसानी से हो जाए, क्योंकि इतना लंबी या मल्टीप्लाई वगैरह करने नहीं कर सकते, क्यों बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा किस्मत खराब होती तो आ जाए ऐसा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आपके सामने दे रखिए, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लीजिए जीएस में, जैसे SSR का पेपर देते हैं उसमें आपने पूछ लिया आपसे कि पृथ्वी की रेडियस क्या होती है, क्या लेके चलते, तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, मास भी आपको दे रखा है। अब देखिए जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट निकाले थे, हमने क्या बोलते हैं, देखो यहाँ एम क्या है, या एम ई लिख सकता हूँ, मतलब मास किसका है, अर्थ का मास है ये, ठीक है। यहाँ कैपिटल एम क्या डिनोट कर रहा है, समझिएगा, कैपिटल एम जो है यहाँ पे गाइस
वो अर्थ का मास है, अर्थ का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। और स्मॉल m जो दे रखा है वो कोई पिंड है, ठीक है, कोई भी क्या है, वस्तु है, तो उसका दे रखा है m द्रव्यमान। अब देखो अगर बात करें, यहाँ पृथ्वी है, ये देखो ये पृथ्वी है, यहाँ से इसकी दूरी बोली जाए आपसे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये m द्रव्यमान की है और ये क्या है, स्मॉल m द्रव्यमान का है, ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस कैपिटल r दे दी, या फिर बोल दिया जाए आपके सामने मास हो गया, आप कैपिटल आर हो गया। और जी आप जानते क्या होता है, ये आपने फॉर्मूला जस्ट आपने पढ़ा था, वही फॉर्मूला और कुछ नहीं है। और आपने कभी भी पढ़ा हो तो देखा होगा एफ इक्वल टू क्या होता है, एम जी, आप जानते ना एम जी, आपने जब ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा था एफ इक्वल टू एम ए, ए क्या होता है त्वरण होता है, और एम क्या होता है मास होता है, मतलब बल इंटू क्या होता था, बल इक्वल टू क्या होता था, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यही तो होता था बल इक्वल टू। तो वही फॉर्म है, कोई कुछ नहीं है इसमें, हम निकालते थे बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता था। अब त्वरण की जगह देखिए, त्वरण क्या ए से ले रखा है यहाँ पे, लेकिन ए की जगह क्या करते हैं यहाँ पे, जी कर दिया गाइज, क्योंकि ये हम पृथ्वी के लिए बात कर रहे हैं, और आप जान रहे थे कि जब अर्थ के लिए हम बात कर रहे थे जी ऑसिलेशन के बारे में, त्वरण के बारे में बात कर रहे थे, तो ए की जगह क्या पुट कर रहे थे, हर जगह जी पुट कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे जी पुट कर रखा। देखिए आपने फॉर्मूला ये पढ़ा होगा आराम से, तो हमने क्या कर दिया एम जी। तो गाइस देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या करते हैं, आप देखिए ये भी एफ के इक्वल है, ये भी एफ के इक्वल है, ये भी बल है और ये भी बल है, दोनों को इक्वलाइज करेंगे गाइस, तो दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो देख सकते हैं, हमने जब इक्वल रखा तो ये स्मॉल एम से स्मॉल एम काट दिया गया, और जो हमारा जी निकालना था, जी के लिए हमारे पास क्या निकल गई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं जी क्या होता है, या कैपिटल जी जो होता है आपका गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, और स्मॉल जी आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो देखी जाती है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.81, ठीक है, मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर बात करेंगे इस त्वरण है गाइस, मीटर से पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर मत भूलिएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है, ये आप समझेंगे, आप बोले हमसे कि यूनिट गलत लिख रखी है, तो इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है, सेकंड स्क्वायर है ये, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण इसे बोलते हैं, ग्रेविटी ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जी के मान में परिवर्तन, देखिए जी के मान में परिवर्तन कब कब हो सकता है, आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे आप द्रव्यमान बढ़ा, देखो ये तो पता है आपको, ये तो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, 6.67 इंटू 10^-11, ये तो फिक्स है, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जी का मान कब चेंज हो सकता है, अगर मैं आर को बदलूँ तो चेंज हो जाएगा, अगर मैं एम को बदलूँ तो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया, आर को बदलूंगा तो भी चेंज होगा, देखिए, और एम को बदलूंगा तो भी चेंज होगा। अब देखो आप यहाँ समझ लीजिए, आर जो दे रखी है, आर की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, कम करता हूँ, तो देखिए अगर आपके सामने मान लेता हूँ ये लिखा हुआ है, यहाँ पे जी तो है ही, और यहाँ लिख दो जैसे यहाँ लिखा हुआ एम, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखिए समझिएगा, यहाँ लिखता हूँ 8 और अपॉन, अब मैं बोलता हूँ आपसे आर की वैल्यू मैंने दे रखी है 4, ठीक है, बस लेट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अब R के लिए वैल्यू लिख रहे मैंने 8, अगर इसमें काटता हूँ तो क्या बना 2G आएगा, ठीक है, ये 2G आ गया निकल के, ठीक है। अभी तक कहता है ये R की वैल्यू थी, अब मैं कहता हूँ आपसे R की वैल्यू कम कर दो, तो R की वैल्यू मैं अगर 2 कर देता हूँ तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब आप देख रहे हैं जब R की वैल्यू कम हुई तो ये क्या होगा, G का मान बढ़ गया, इस G का मान बढ़ गया ना, जब R की वैल्यू कम होगी तो G की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, जब R की वैल्यू कम सॉरी ज़्यादा की जाएगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ लिखा, मैंने क्या लिखा था आपके सामने 8 लिखा हुआ था, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 8, तो जैसे हमने आर की वैल्यू बढ़ाई तो क्या होगा, 8 से 8 कट गया, जी आया बस, तो समझ पा रहे हैं, मतलब सिंपली बात करें, अगर रेडियस बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, ठीक है, अगर रेडियस कम होगी तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कंडीशंस होती है हमारे पास, कैसे समझिएगा, यहाँ आपके सामने लिख रखी है, देखिए इसमें बोल रहा है पृथ्वी के भूमध्य रेखा, देखो अगर बात करूँ मैं जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर होती है, उस क्या बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा होती है, ये 0° पर होती है, ऊपर जाके जैसे कर्क रेखा होती है और नीचे मकर रेखा जो वगैरह होती है, आप अच्छी तरह से जानते हो, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा आराम से, अगर नहीं पढ़ा हो तो आपने 10th बात करें आपसे 9th-10th आराम से ये सब चीज़ें आ जाती है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भूमध्य रेखा होती है 0° पर जो रेखा होती है, जो अक्षांश की बात कर रहा हूँ मैं, लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ, जो लैटिट्यूड में जो 0° की लाइन होती है
वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ग्रेविटी जो बोले आपसे कि उसका त्वरण जो होता है गाइस, जी की वैल्यू जो होती है क्या होता है, न्यूनतम होता है। कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। लेकिन ध्रुवों की तरफ जानते जाते हैं, जब पोल्स की तरफ जाते हैं गाइस, जब भी आप पोल की तरफ जाओगे क्या होगा, वहाँ पे जी का मान जो है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आप जानते हैं अच्छी तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, अपने एक्सिस पर जब घूमती है पृथ्वी, तो उसके लिए अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात कर रहा है आपसे वो, यहाँ पर नीचे देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें बोल रहा है आपसे, घूर्णन गति बढ़ने पर जी डैश का मान जो है घट जाता है, ठीक है। घूर्णन गति अगर बढ़ा दी जाए तो जी डैश का मान जो है घट जाता है। आप इसको लाइन टू लाइन याद रखिएगा गाइस, क्योंकि कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, अगर घूर्णन गति जो है पृथ्वी की अगर बढ़ा दी जाए तो जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। सिंपली याद रखो डायरेक्टली, ठीक है। और आपसे बोला है घूर्णन गति कम की जाए तो जी डैश का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। आप एक याद कर लीजिए कि जब गति बढ़ाते हैं घूर्णन गति तो क्या होता है, उस जी का मान जो है बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है, और घटाने पर बढ़ता है गति को, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप इस बात को। देखो एक नोट लिखा हुआ है, इसको समझिएगा ढंग से, इसमें क्या बोल रहा है आपसे, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति, आज के टाइम पे जो पृथ्वी घूम रही है उसकी वर्तमान जो घूर्णन गति है उसको 17 गुना तेज कर दिया जाए, 17 गुना तेजी से घुमा, मतलब बढ़ा दिया जाए उसको, 17 गुना तेजी से घूर्णन करने लग जाए, तो क्या होगा, जी का मान क्या है, जीरो हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप कर रहे हैं जी का मान देखो, उसने कहा घूर्णन गति बढ़ा दी तो जी की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन वो बोल रहा है आज जैसे प्रेजेंट टाइप में हमारी जो पृथ्वी घूम रही है, अगर उसका आपने 17 गुना और स्पीड कर दी उसकी, जैसे मान लो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है, मतलब एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, आप कहीं समझे कि पृथ्वी तो इतनी, तो गाइस मैं सिर्फ एक कॉमन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आपके पास कोई भी चीज़ है जो परमानेंट घूमती रहती है और आपके पास उस चीज़ को घुमा रहे हो, जैसे कोई भी कुछ भी ले लो, कोई भी जैसे व्हीकल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, तो आप उसे घुमा रहे हो, तो घुमा रहे हो तो क्या हो, उसकी अगर जो स्पीड है, जैसे आप चले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो बोला 17 गुना बढ़ा दो, अब 10 किलोमीटर से 17 गुना करेंगे क्या, 170 हो जाएगी, ठीक है। तो 170 की स्पीड से चलेगी तो वो बोल रहा है कि अगर उसे तेज घुमा दिया जाए तो उसकी ग्रेविटी जो होती है उस पर क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ पृथ्वी जो घूम रही है ना, अगर वो इससे तेज घूमने लगी ना, आपका वजन जो है कम होने लगेगा पृथ्वी पर, ठीक है। जैसे आपका वेट अभी 50 किलो है, तो जैसे जैसे पृथ्वी तेज घूमेगी तो आपका वजन कम होने लगेगा, तो वजन कम होने लगेगा और तेज घुमा दी, ज़्यादा तेज, जैसे 17 गुना कर दिया आज की स्पीड का, जो प्रेजेंट टाइम में जिस स्पीड से घूम रही है, तो आप हवा में उड़ने लगोगे, सिर्फ मतलब आप ज़मीन पर पैर नहीं रख सकते, आपका वेट नहीं रहेगा, आपका वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, मास और जी का मान प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, समान होता है, परंतु कैपिटल जी का तो वो समान होता है, लेकिन स्मॉल जी क्या होता है, बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, अब देखो मास क्या चीज़ होती है, आपको ये भी पता होनी चाहिए, मास होती क्या चीज़ है, मास होता है गाइस जो पृथ्वी पर भी वही मास है और वहाँ भी वही मास रहे। कैसे, अब आपने कोई भी वस्तु बनाई है, ठीक है, कोई भी वस्तु, जैसे कुछ भी ले लो, कोई भी वस्तु बनाई है, जैसे आपने बनाई है, जैसे कोई कॉपी बनाई है, आप सिंपली एग्जांपल ले लो, कोई कॉपी है आपके पास 100 पेज की है, ठीक है, आपके पास 100 पेज की है, तो उसमें मास क्या, मतलब आपने जो उसमें जो सामान लगा हुआ, कितना सामान लगा, 100 पेज लगे हुए, वो आपका मास हो गया। उससे आप पृथ्वी के अलावा कहीं भी ले जाइए, चांद पे कहीं भी ले जाइए, वही चीज़ रहने वाली है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर उसमें जो वजन की बात करें, अगर उसमें 1 किलो वजन है पृथ्वी पर, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं दूसरे प्लैनेट्स पे ले जाओगे उसे, तो उसका वेट उतना ही रहेगा, तो उसके वेट में फ़र्क आ जाएगा। वो किस वजह से आएगा, गुरुत्व त्वरण की वजह से आएगा, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल ऑसिलेशन की वजह से आ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। तो यही होता है, मास में कोई चेंज नहीं होता, कहीं भी ले जाइए। और कैपिटल जी की वैल्यू मैंने बताई थी, वो क्या हुआ, गुरुत्वीय स्थिरांक है, 6.67 × 10⁻¹⁻
ये उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ये हमेशा फिक्स रहती है। लेकिन अगर बात करें जी की वैल्यू, जैसे कि आप जानते हैं चंद्रमा पर कम है, पृथ्वी पर ज़्यादा है, और जहाँ ये तो हर जगह कम बढ़ती होता रहता है, ठीक है, तो समझ पाए होंगे आप इस बात को। आप देखो एक महान साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम आप जानते हो, केपलर, ठीक है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ दिया था। आपसे डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो केपलर का जो लॉ है वो कौन सा, इनमें से कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है। तो देखिए केपलर ने क्या कहा था आपसे, जो केपलर का जो सिद्धांत है उसके दो तीन, जो उसने तीन लॉ दिए थे उनको मिक्स करके उसने एक लास्ट में एक लॉ बनाया था, ठीक है। इनमें से कभी कभी आ जाता है पूछने के लिए कि किसने दिया था, या फिर आप देखिए ग्रही गति का नियम किसने दिया, तो केपलर ने दिया, ठीक है। अब केपलर आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपने देखा होगा बुक्स में केपलर इस तरीके से लिखा होता है, तो आप ये मत कहिएगा कि आप पे लिखना नहीं आता, ये नहीं आता, ये हिंदी राइटिंग आपको समझ आना चाहिए बस, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया था उसने, फर्स्ट आपसे कहा था उसने प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में क्या करता है, चक्कर लगाता है। सिंपल सी बात है, आप ये भी खुद जानते हैं बात तो, लेकिन कहा किसने था, ये केपलर ने बोला था, ठीक है, कि प्रत्येक ग्रह जो है एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। अब आप बोलेंगे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा मतलब व्रत भी नहीं लगाता, दीर्घ व्रत क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा गाइस दीर्घ व्रत क्या होता है, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, इस तरीके से होता है, थोड़ा चपटा सा होता है जो। तो ये कहना चाह रहा दीर्घ वृत्ताकार क्या है, कंडीशन में चक्कर लगाता है प्रत्येक ग्रह, हर ग्रह, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है आपसे, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। देखिए उसने कहा कि आपसे कि प्रत्येक ग्रह जो है उसका क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, उसने क्या बोला है, इसके प्रभाव देख लीजिए क्यों रहता है। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है, समझिएगा इस बात को, जब ग्रह सूर्य के निकट होता है, जब सन के निकट होता है कोई भी प्लानेट, ऐसा नहीं कि पृथ्वी की बात करना, कोई भी प्लानेट हो तो सूर्य के नज़दीक होता है, तो उसका वेग बढ़ जाता है, उसका वेग जो है बढ़ जाता है। और जब सूर्य से दूर होता है ग्रह, तो उसका वेग जो है घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। उसने थर्ड लॉ दिया था जिसमें उसने बोला था, देखो इसे लैंग्वेज में ना लिख के मैं सीधा मैथमेटिकल कंडीशन में लिख दिया है, कि जो आवर्तकाल होता है, अब आवर्तकाल बोलेंगे आप, ये आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल वो है कि परिक्रमण काल, मतलब जो एक साल होती है। अब पृथ्वी पे हमारी पे कितना लेके चलते हैं हम, 365 सही 1/4 लेके चलते हैं ना, 365 लेके चलते हैं ना, 365 whole 1/4 इस तरीके से लेके चलते हैं ना, तो वही कंडीशन है, ये हो गया आवर्तकाल, परिक्रमण मतलब भ्रमण प्रक्रमण करने में कितना टाइम लगा, और आर क्या होती है, सूर्य से ग्रह की दूरी। तो ये इस तरीके से क्या होती है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, r³ या r³ के प्रोपोर्शनल होती है, समझ पा रहे हैं। यहाँ आपके सामने देख रखा है ग्रह का परिक्रमण काल, टी क्या होता है, जैसे परिक्रमण लगाता है एक साल का कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसी तरीके से बात कर रहे हैं हम आपसे सूर्य से ग्रह की दूरी क्या होती है, आर होती है। तो गाइस इतना आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आप हमसे सभी क्वेश्चन किसी भी तरीके आप पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपके सामने बताने वाले हैं, जिसमें आपसे बात करेंगे आपसे कि वेलोसिटी क्या होती है, कक्षीय वेग क्या होता है, पलायन वेग क्या होता है, तो उसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें बताएंगे आपको। कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो गाइस वीडियो लंबी, अब आधे घंटे के लिए पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, आधे घंटे आप दे सकते हैं। देखिए आपको 4 तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें आपके लिए अगर आप करें नेवी के लिए तो नेवी के लिए 4 पढ़ने हैं, एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स जैसे आप सिंगल के लिए, खासकर क्या करते हैं आजकल तो दोनों पेपर भर देते हैं, दोनों फॉर्म भर देते हैं आप एक्स और वाई का। तो गाइस इतना तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ बगैर मेहनत को कुछ भी नहीं मिलता। तो गाइस सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आधा घंटा आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, उसे रिवाइज कर रहे हो, तो गाइस सबसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलरली पढ़ते रहें, ठीक है। तो गाइस अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, भी लेते हैं विदा आपसे, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।